नमस्कार, मैं हूं पूनम और आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। पंजाब की किसानी को फायदेमंद बनाने के लिए केंद्र सरकार ने फगवाड़ा होशियारपुर रोड स्थित रेहाना जट्टा गांव में 55 एकड़ जमीन में बनने वाले फूड पार्क को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय खाद्य मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने इस फूड पार्क का नींव पत्थर रखा। इस फूड पार्क की लागत लगभग 125 करोड़ रुपए होगी। पंजाब में अपनी तरह का यह सबसे बड़ा फूड पार्क होगा। इस फूड पार्क में हर रोज 500 टन मक्की की प्रोसेसिंग होगी, यानी साल में तकरीबन 1,75,000 टन की प्रोसेसिंग होगी। इस फूड में 90,000 से 1 लाख एकड़ में पैदा किए जाने वाले मक्की की प्रोसेसिंग का काम किया जाएगा। इससे जमीनी पानी का बचाव तो होगा ही, साथ साथ इससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। There's a very transparent marking system which is up on the website that for this you get this many marks, for this you get this many marks. People from all India apply for those 17 parks. I think we had something like 380 odd applications. So from that, there are 3 committees which goes through the marks, and then people are given a hearing also. When everybody is satisfied, okay, I've got the marks which are due to me, then a list is made and the top 17 it gets allotted to. So the only way that I can help is that anyone who wants to apply, I can help him by telling him how he can better his marks, help him in filling up his papers, giving him all the advice. But at the end of the day, kisi nu himmat karni pahogi ki main apply kara, and pehle thodi mehnat karke wo sare फुल मार्क्स लेन वास्ते वो सारा क्राइटेरिया मैं फुलफिल करा। ये फूड पार्क 55 एकड़ जमीन में, जो कि रिहाना जट्टा पंचायत ने फूड पार्क को 99 ईयर लीज पे दी गई है, इसमें हम मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो इंडस्ट्री लगाने वाले एंटरप्रेन्योर्स को इनवाइट करेंगे कि वो अपने ड्रीम प्रोजेक्ट इस जगह लगाएं। इस पार्क में उनको हम सारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके देंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर में लीज होल्ड लैंड होगी, उसके ऊपर जैसी भी उनको इंडस्ट्रियल बिल्डिंग चाहिए वो इंडस्ट्रियल बना के दे जाएगी। उनको सारा वाटर ट्रीटमेंट, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट, एयर पोल्यूशन ट्रीटमेंट की फैसिलिटी दी जाएगी। उनको साथ ही में पावर की फैसिलिटी मिलेगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी प्रोजेक्ट लगेंगे उनको सबको सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रोजेक्ट सब्सिडी भी मिलेगी। एक्चुअल मीनिंग ये है कि यहाँ पर डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडस्ट्री है, यहाँ पर लगेगी, जिसमें कि फूड प्रोसेसिंग है, कोल्ड चेन है, किचन्स होंगे, एक इसके अंदर एंकर यूनिट होगा जो मेज़ प्रोसेसिंग यूनिट का होगा, और साथ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को दिया जाएगा उसमें एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी और चार दीवारी, और उनको टेक्निकल सपोर्ट भी दी जाएगी जिसमें लेबोरेटरीज और दूसरी तरह की दूसरी तरह की फैसिलिटीज़ इंडस्ट्री को और किसानों को उपलब्ध की जाएंगी। यमुनानगर के कस्बा सडोरा के गांव मलिकपुर पहुंची पुलिस ने हो रही शादी को रोक दिया। पुलिस ने शादी में पहुंचकर जब लड़की की उम्र पर सवाल उठाते हुए कागजात देखे तो लड़की की उम्र महज 17 साल 8 माह थी, जिसके चलते पुलिस ने शादी रुकवा दी। साथ ही पुलिस ने दोनों परिवारों को कहा कि अगर लड़की की शादी बालिग होने से पहले कर दी गई तो दोनों पक्षों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। लड़का तो 23-24 साल में है, लड़की 13-15 साल में कम है। अच्छा, दिसंबर में कर दी पूरे जुलाई में हो जाएगी। तो क्या अपराध कहाँ से आई थी? अपराध मणक पर से आई थी। अपराध का 4-5 आदमी थी, गरीब आदमी, बेचारे लड़के के बाप तो है नहीं, बरात ले गई 5-4 आदमी। तो अपराध रुकवा दी गई, बस अपना भेज देंगे मुठा ठहरा। प्रोटेक्शन सेल से आया है, जिसके बारे में हमारे को पता लगा कि भाई नाबालिग लड़की की शादी हो रही है जो हमने रखवा दिया, और जब उसकी उम्र हो जाएगी लड़की के 18 साल, ये उस टाइम शादी करेंगे। तो बारात कहाँ से आई, कितने लोग? ये मानकपुर से आई थी, 5 व्यक्ति थे जो चुन्नी उड़ा के भेज रहे थे लड़की को, वो रोक दी गई है। लिखित में ले लिया गया? हाँ, सब कुछ लिखित में ले लिया गया। ये लड़की की उम्र जो देखा गया 3-4-5 महीने कम है, वो शादी रोक दी है।
जो लड़के की उम्र पूरी हो जाए दोबारा सर। रात आई थी मानकपुर से थाना शडोरा के पास मानक। हाँ रोक दी थी। हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र में स्थित बाग की एक झोपड़ी में शुक्रवार सुबह मां बेटी की आत्महत्या की खबर से सनसनी फैल गई। नेपाल की रहने वाली महिला ने घर में पहले अपनी दूध मुही बच्ची को फांसी पर लटकाया और फिर खुद फंदे से झूल गई। इस घटना के बाद से मृतका का पति फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतका का आसपास के घरों में साफ सफाई का काम करती थी और घटना से पहले भी वे कुछ घरों में काम करने गई थी। ये बात किसी को समझ नहीं आ रही कि आखिर उसने ऐसा कदम क्यों उठाया। पुलिस फरार पति के साथ साथ आत्महत्या के कारणों का पता लगाने में जुट गई है। मैं तो अभी देखा। अच्छा, क्या? आके देखा, मेरी लड़की को नहीं देखा पहला। हाँ। उसी को देखा, गया हिलाया। हाँ। फिर इधर आके यहाँ पे लड़की। हाँ। लड़की देखा तो पता नहीं कहाँ गया, ये कहाँ गया। इतना ही देख, लड़की छोटी वाली लड़की का साक्षी जोशी। अच्छा, जो महिला जो मरी है संदेह जोशी, ओम प्रकाश जोशी, वो गाड़ी चलाता है। पता नहीं झगड़ा, मुझे पता नहीं। नहीं मल तो मरी की बात आएगी, बिन मरी की बात आया देखा नहीं ना। अच्छा। जब वो स्कूल गया, स्कूल से आया दही मेरी साइकिल लेके गया था। हाँ। फिर साइकिल वहीं रखा। हाँ। फिर साइकिल लेके आया, साइकिल वो साइकिल वाला दही लटका के आया। अब मैंने दही का पका भी वहीं देखा। कहाँ का? नेपाल के रहने वाले। यहाँ तो बहुत साल हो गया, साल 10 साल 11 12 साल हो गया। इसकी शादी हुई 8 साल 7 8 साल हो गए। अच्छा, शादी मैंने करवाई थी। झगड़ा तो होता होगा, झगड़ा क्यों नहीं होगा, अपनी मियाँ बीवी में झगड़ा होता होगा। अभी झगड़े की खास इतनी अब किसी वजह से मुझे पता नहीं, क्या किसी वजह से झगड़ा हुई क्या हुई नहीं पता। नेपाल मूल की महिला है, प्रथम दृष्टया सुसाइड का लग रहा है, लेकिन कन्फर्म पोस्टमार्टम के बाद ही हो पाएगा। एक साल की लड़की भी है, उसको भी गला दबा के मार दिया गया है। तो पहले मैं फिर केस ऑफ स्ट्रैंगुलेशन पोस्टमार्टम के बाद कंफर्म हो जाएगा। अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है, क्योंकि पति के साथ झगड़ा हुआ है नहीं हुआ, टू एल टू से काफ़ी जल्दी होगा इसमें कुछ कमेंट करना, लेकिन हम ओपन सीरियस उसको इन्वेस्टिगेट करें। पति ये कहा गया है कि पति ने ही देखा था पहले, वैसे सिचुएशन देखा, वो तुरंत भाग गया। तलाश की जा रही है, लेकिन वो सुबह आया था, फिर भी कुछ कंक्लूसिव अभी बताने से बाद में इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा। अभी तो नहीं लग रहा, फिर कर रहा हूँ तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कंफर्म होगा। फरीदकोट पुलिस को उस समय बड़ी कामयाबी मिली जब उन्होंने पुराने ट्रैक्टरों के जाली कागज तैयार कर आगे बेचने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। ये गिरोह पुराने ट्रैक्टरों को सस्ते दामों में खरीद लेता था और जाली कागज तैयार कर आगे बेचने का काम करता था। थाना सिटी के SHO राजेश कुमार समेत पुलिस पार्टी की तरफ से मुखबरी मिलने पर इसके 3 सदस्यों को 10 जाली RC और 1 ट्रैक्टर सहित गिरफ्तार कर लिया गया है। कल हमारे SHO इंस्पेक्टर श्री राजेश कुमार, सिटी SHO और ASI परमजीत के पास एक मुखबरी हुई थी कि 3 लोग हैं, विजय कुमार, हरप्रीत और सुखमंदर सिंह, तीनों पुराने ट्रैक्टरों की खरीदो फरोख्त करते हैं और जिनके स्पेशली कागजात नहीं होते उनके जाली कागज़ तैयार करके RCs वगैरह तैयार करके उनको सेल करते हैं और लोगों को ठगते हैं। अभी एक ट्रैक्टर हमने बरामद किया है, 10 RCs बरामद की हैं, तो एक बलैरो है, एक स्विफ्ट है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। श्री कैलाश मान सरोवर यात्रा पर प्रतिबंध लगाने के खिलाफ लुधियाना शिवसेना के मेंबरों ने चीन के राष्ट्रपति का पुतला फूंक कर रोष प्रदर्शन किया। इस दौरान शिवसेना प्रधान राजीव टंडन ने बताया कि चीन द्वारा हिंदुओं की पवित्र यात्रा श्री कैलाश मान सरोवर यात्रा पर प्रतिबंध लगाकर घटिया मानसिकता पेश की है, जिससे हिंदू धर्म में रोष पाया जा रहा है। उन्होंने भारत सरकार से मांग करते हुए कहा कि भारत में चीन के बने सामान पर पूर्ण तौर पर पाबंदी लगानी चाहिए। इस मौके शिवसेना के मेंबरों ने चीन के राष्ट्रपति के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। मालगोदाम तो लेके रेलवे स्टेशन मालगोदाम तो लेके घंटाघर तक प्रदर्शन किया गया, जिदे विच जिहड़े चाइना के राष्ट्रपति ने साडी पवित्र यात्रा मानसरोवर जिहड़ी यात्रा है उन्होंने बैन किया, इस करके असीं उहदे खिलाफ प्रदर्शन किया। असीं भारत सरकार नूं इह मंग करदे हां वी जिहड़ा चाइना का समान आ रहा उहदे ते प्रतिबंध लाया जाए। बिल्कुल जी करांगे जी, बिल्कुल जी। अज का जो रोस मार्च है शिवसेना पंजाब वालों लुधियाना रखा गया सीगा, जिद शिव सैनिकों ने रोस मार्च करते हुए चाइना के राष्ट्रपति का पुतला जलाया। साड़ी इको एक मंग है भारत सरकार वालों भी चाइना तो जोड़ा भी समान आ रहा वो तुरंत प्रतिबंध लगाया जाए। प्रतिबंध क्यों लगाया जाना चाहिए,
चाइना के सैनिक भारत के बॉर्डर के अंदर घुस के भारत की जमीन के उत्ते कब्जा करना चाहते हैं। दूजी हिंदू समाज की पवित्र यात्रा कैलाश मैन सरोवर के उत्ते जिहड़ी यात्रा के प्रतिबंध लगाया उसके विरोध में शिव सैनिकों ने अज चीना के चाइना के राष्ट्रपति का पुतला साड़िया। असी भारतवासियों नूं भारत सरकार नूं एक गल दसना चाहते हाँ, असी लोग चाइना का माल खरीद के चाइना नूं आर्थिक तौर के उत्ते मजबूत कर रहे हैं। उही पैसे दे नाल चाइना ताकतवर होकर भारत की जमीन उत्ते कब्जा करना चाहता। असी भारतवासियों नूं ते भारत सरकार नूं मंग करते हैं भी इन्हां दे माल दे उत्ते तुरंत प्रतिबंध ते भारत दे जिहड़े रहण वाले लोग ने इन्हां दे माल का टोटल बहिष्कार करन ता कि चाइना नूं पता लग सके भी हिंदुस्तान दे जिहड़े वासी ने देश प्रेमी ने देश भगत लोग ने। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, अगले बुलेटिन में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।